अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज बना रही थी मैं भिंडी, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ भिंडी की रेसिपी। और ये मेरी बच्ची छोटी सो रही है। मैं किधर देखो, क्या कर रही हो? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी। हम भिंडी लाई थी, अब इसको धोना है। चलिए मैं आपको इसको धो रही हूँ भिंडी को। ये देखिए मैं काटती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, मसाले, नमक मिर्च, नॉर्मल मसाले, और ये भिंडी काट दी है। अभी ऑयल रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये डाल दी है इसमें, अब आपको बताती हूँ भिंडी फ्राई। इसको फ्राई करना है, और कुछ लोग होते हैं ज़्यादा फ्राई कम फ्राई करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा करनी है। फिर आपको बताती हूँ, जैसे कि देख रहे हैं भिंडी फ्राई कर ली है, इस तरह से ब्राउन कर लेना है हल्के से। अब इसमें ऑयल ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा पानी की भिंडी में कच्ची लगती है, थोड़ी बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी। ज़्यादा ब्राउन करने के बाद भिंडी हमारी हो गई, पक गई बिल्कुल, खाली प्याज और थोड़ी कच्ची कच्ची रखनी है भिंडी में, कच्ची प्याज अच्छी लगती है। चलो मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह की जल्दी है प्याज, इस तरह की आपको मैंने बताए थे। थोड़े से टमाटर बो देंगे, फिर बाद में हरी मिर्च डालनी है, कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। पानी
पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल में रहे हैं आप मैं हर चीज़ अपनी शेयर करूँगी, घर में घर के रोटी सारा कुछ आपको बताऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हरी मिर्चें डाल दी, टमाटर हो गए इस तरह के करने हैं, भिंडी हो करके भिंडी डाल देनी है। देखिए इस तरह की ज़्यादा टमाटर तो होने नहीं है, इस तरह के इसीलिए अब डालनी है भिंडी जो फ्राई की थी। देखो अब इसका दम पर लगा देना, देखो सारी चीज़ें मैं मिला के ना इसको दम पर लगा देना। तैयार हो गया, बस थोड़ा सा दम देना। इस तरह की अब इसको खाली दम देना है। कमेंट्स करके बताइएगा भिंडी कैसे लग रही है। चले आपसे अगली वीडियो आपको बताती हूँ, अगली तैयार हो जाती है फिर बताती हूँ मैं आपको।